नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी वी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा दीपावली का पावन पर्व है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस दीपावली के पावन पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं। डी वी ऑनलाइन स्टडी चैनल आप सभी मित्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। तो दोस्तों, जैसे कि हम हर रोज की तरह आज फिर से रेलवे NTPC और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए हमने पिछले वर्ष 2018 का पेपर रेलवे ग्रुप डी का लिया है। दोस्तों, इसमें हमने 17/9/2018 के थर्ड शिफ्ट का पेपर दोस्तों लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हुए होंगे, सारे मैथ के क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही सिंपल वे में हल करना सीखेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर अपनी क्यूरी मुझ तक भेज सकते हैं। दोस्तों, इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हर रोज की तरह देखते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया गया है, दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, इन संख्याओं में से एक है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि दो संख्याओं का योग दोस्तों कितना है, 9 है। तो हमने दो संख्या मान लिया x और y, इनका योग कर दिया दोस्तों 9। अब कहा गया इन्हीं संख्याओं के व्युत्क्रम, तो हमने दोस्तों इन्हीं संख्याओं के व्युत्क्रम का योग करके इनका योग बता दिया गया 1/2, हमने ये रख लिया। अब अगर दोस्तों यहाँ पे x और y हमने LCM ले लिया और यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो ये y प्लस x हो जाएगा, बराबर दोस्तों हमारा 1/2 हो जाएगा। तो फाइनली ये दोस्तों हमारा बन जाएगा xy, बराबर आ जाएगा हमारा 2x प्लस y हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे x प्लस y की वैल्यू हमको यहाँ से पता है, 9 दी गई है, तो यहाँ पे हमारा फाइनली दोस्तों बन जाएगा ये xy बराबर आ जाएगा 9 × 2 = 18 बन जाएगा दोस्तों। तो अब दोस्तों यहाँ पे इस 18 के हमको ऐसे खंड करने हैं कि मतलब ऐसे हमको गुणनखंड बनाने हैं कि गुणा करने पे 18 हो जाए और उनको दोनों को जोड़ने पे 9 हो जाए। तो दोस्तों अगर हम 2 और 9 जोड़ेंगे, हमने एक खंड दोस्तों ले लिया 2 और 9, तो 9 और 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो 11 हो जाएगा, 9 × 2 = 18 हो जाएगा। लेकिन जोड़ने पे हमको योग कितना आना चाहिए दोस्तों, योग आना चाहिए 9, तो यहाँ पे दोस्तों 11 आ रहा है, इसलिए हमारा 2 और 3 इसका खंड नहीं हो पाएगा। हमने दोस्तों ले लिया 3 और 6, अगर दोस्तों 3 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों 3 और 6 को हम ऐड कर देंगे तो भी हमारा 9 हो जाएगा। तो इसमें से दोस्तों हमारा ये जो पॉइंट हो जाएंगे इसके हमारे 3 और 6 हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 3 और 6 में हमारा 3 तो अवेलेबल नहीं है ऑप्शन में, तो 6 दोस्तों अवेलेबल, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया है अलग अलग समय पर दो पाइप किसी टंकी को भरने में क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं, जबकि एक अन्य तीसरा पाइप उसे 3.2 घंटे में खाली कर सकता है। पूरी तरह से खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे बताया गया अलग अलग पाइप, तो माना यहाँ पे एक पाइप ए है, इसको टंकी को भरने में 5 घंटे समय लगता है, और दूसरा पाइप यहाँ पे बी है, इसको भरने में 8 घंटे का समय लगता है। तो अब दोस्तों कहा गया एक अन्य पाइप जो तीसरा है उसको 3.2 घंटे खाली करने में खाली कर सकता है। तो दूसरा एक पाइप है मान लेते हैं सी, तो ये खाली कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, और यहाँ पे हमने इन दोनों को ये भरने वाले हैं तो यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया दोस्तों। तो ये दोनों यहाँ पे इसको 3.2 आवर्स में इसको खाली कर देंगे दोस्तों। अब अगर दोस्तों इनका हम सबका एलसीएम ले लें तो फाइनली हमारा इनका सबका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 160। तो अब अगर हम 5 का भाग 160 में देंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आ जाएगा 32, और इसका जब ऐसे ही 8 का भाग इसमें देंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा 20, और 3.2 का जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो दोस्तों फाइनली हमारा आ जाएगा यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो ये इनकी सबकी क्षमताएं निकल आई। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है क्वेश्चन में पूरी तरह खाली खाली टंकी को तीनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों अगर हम पूरी खाली हमारी टंकी है, टंकी 160 लीटर की मान लीजिएगा है, अब इस पूरी तरीके से खाली है, इन तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो हमारी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो अगर दोस्तों देखें तो यहाँ पे ये 32 पानी भर रहा है, यहाँ पे ये 20 भर रहा है, और ये दोस्तों 50 खाली कर रहा है। तो 32 और 20 जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा फाइनली कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 52 हो जाएगा। 52 से दोस्तों अगर हम 50 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 52 लीटर भरेगा और 50 लीटर निकल जाएगा क्योंकि निकालने वाला है, तो हमारा 2 लीटर बचेगा। तो यानी कि 1 घंटे में हमारा 2 लीटर पानी जो होगा भरेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जब तीनों हम ए बी और सी इन तीनों को जब खोलेंगे 160 लीटर पानी भरने के लिए, 2 किधर से हमारा पानी भरेगा, तो फाइनली यहाँ पे दोस्तों आ गया कितना, 2 और 16 यानी कि 80 घंटे बन गया दोस्तों। ये घंटा था फाइनली दोस्तों, 80 घंटे आया। अब इस 80 घंटे को यहाँ पे दोस्तों क्या दिन में कन्वर्ट करके दिया है, तो हम अगर दिन में इसको कन्वर्ट करें 80 घंटे को, तो एक दिन में दोस्तों होते हैं 24, तो अगर हम यहाँ पे 24 का भाग दे दें दोस्तों तो यहाँ पे 3 दिन 8 घंटे हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, अगर इस 80 घंटे को हम दिनों में कन्वर्ट करेंगे।
तो 3 दिन 8 घंटे हमारा आ जाएगा दोस्तों। तो इसका हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसका थर्ड राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित है। तो दोस्तों 4 से भाज्यता का नियम ये होता है कि लास्ट के कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, अगर ये लास्ट की दो संख्याएं हमारे 4 के टेबल से कट रही हैं तो पूरी संख्या हमारी 4 से जरूर कटेगी, यानी कि 4 से पूर्णतया पूरी विभाजित होगी। तो अगर दोस्तों हम इसमें देखें 76 में तो 4 एकन्नम 4 दोस्तों, बचा 3 तो 4 नहीं 36, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो दोस्तों इसलिए हमारे इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। हमको पूरी संख्या देखने की जरूरत नहीं होती दोस्तों, लास्ट के दो अंक 4 से कट करके देख लेते हैं। अगर लास्ट के दो अंक हमारे 4 से कटते हैं तो पूरी संख्या हमारी 4 से डिविजिबल होगी। अगर दोस्तों 66 को कट करें तो 4 एकन्नम 4 दोस्तों 26 हो गया, 4 से 24 दो बच गए तो पूरा नहीं कटेगा। अगर इसको भी देखें तो 4 एकन्नम 4 4 3 12 तो बचा दोस्तों यहाँ पे 2, फिर भी नहीं कटेगा। 4 दूना 8 4 दूना 8 दोस्तों यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा दोस्तों। कुल मिलाकर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, यही हमारा 4 से डिविजिबल होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया 0.02 तथा 0.002 के बीच अंतर ज्ञात करना है। दोस्तों अंतर निकालने के लिए हमको करना क्या है दोस्तों, इनको आपस में घटा देना है। तो अगर दोस्तों इनको हम आपस में घटाएं तो ये हमारा आ जाएगा 0.020। ऐसे हमने इसको दोस्तों घटा दिया आपस में। तो अब अगर दोस्तों इसको हम घटाएं तो यहाँ पे 10 से 2 घटाएंगे दोस्तों 8 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 बचेगा और यहाँ पे दोस्तों हमारा 0.0। तो दोस्तों फाइनली आ गया 0.018, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा, अब इस क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो गणितीय तर्क के आधार पर अन्य संख्याओं से भिन्न है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक भिन्न है और 3 एक समान है, तो दोस्तों हमको वो भिन्न वाली संख्या को बतानी है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें 369 जो दिया गया है ये हमारा एक ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। और ऐसे ही देखें 571 जो दिया गया दोस्तों ये भी हमारा ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है दोस्तों। ऐसे 427 भी हमारी ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है। लेकिन एकमात्र ऐसी संख्या दोस्तों 462 यानी 462 ये हमारी इवन नंबर है दोस्तों, यानी कि सम संख्या है। तो इसलिए हमारा दोस्तों यही हमारा डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया है इसको हमको एक इक्वेशन बना के दी गई है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, फिर ये दोस्तों मंझला ब्रैकेट लगाया, फिर छोटा ब्रैकेट लगाया, फिर 161 लिखा हमने दोस्तों वो लिख दिया, फिर यहाँ प्लस लगा करके 19 से दोस्तों हमारा घट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 70, तो हमने 17 लिख दिया, प्लस का दोस्तों 1 और फिर ये हमारा मंझला ब्रैकेट लगा दिया दोस्तों, -3 बड़ा ब्रैकेट 1। अब अगर दोस्तों और भी इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारा 161 प्लस दोस्तों 17 प्लस ये हमारा सब ऐड हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों ये हमारा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 1 7 1 8 8 1 9। तो हमने दोस्तों यहाँ पे 9 रख दिया और 9 दोस्तों यहाँ पे 6 1 7 हो जाएगा और दोस्तों हमारा 1 हो जाएगा। अब माइनस दोस्तों यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे हमने 3, तो हमने 3 लिख दिया दोस्तों और ये हमारा अब दोस्तों क्या होगा, हमारा ये दोनों ब्रैकेट हट जाएंगे दोस्तों, ये मंझला ब्रैकेट भी नहीं लगेगा, यहाँ भी नहीं लगेगा, केवल हमारा दोस्तों यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगेगा। अब 179 से दोस्तों अगर हम 3 माइनस और कर दें तो दोस्तों हमारा कितना बचेगा, 176 बच जाएगा दोस्तों, 176 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 4। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी दोस्तों अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया पाई चार्ट दिसंबर 2017 तक भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा संसाधित गैर निष्पादन संपत्ति NPA के बारे में जानकारी देता है। तो एक डायग्राम बनाया गया दोस्तों, इससे रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया, यदि सभी बैंकों के अंतर्गत कुल NPA 3 लाख करोड़ है तो दिसंबर 2017 तक बैंक डी के अंतर्गत NPA कितना रुपया लाख करोड़ में होगा। तो दोस्तों कुल बताया गया है 30 लाख करोड़, तो दोस्तों यहाँ पे 30 लाख दिया गया है और हमको दिसंबर 2017 के डी का पूछा गया, तो डी में हमारा दोस्तों कितना दिया गया 5, तो हमने यहाँ पे 5% रख दिया, तो 5% बराबर बटे दोस्तों क्या कर देंगे 100। तो अब अगर इसको हम हल करें दोस्तों, ये दो जीरो कट गया, फाइनली दोस्तों आ गया हमारा 15 लाख करोड़ आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा इसका थर्ड राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया किसी संख्या का 35% 91 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया कि किसी संख्या का 35% मानव संख्या एक्स है दोस्तों, एक्स का 35% कितना है दोस्तों 91, हमने 91 कर दिया। अब इसको हल करके हमको एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो अगर दोस्तों इसको हम हल करें तो ये दोस्तों आ जाएगा हमारा 9100 अपान का 35, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब अगर इसको और भी हम दोस्तों हल कर दें तो ये हमारा कट जाएगा दोस्तों फाइनली 35 दूना 70 हो जाएगा दोस्तों। अब हमारा बचा कितना दोस्तों यहाँ पे
70 80 90 दोस्तों 21 बचा, और 21 में दोस्तों ये हो गया हमारा 210, तो 35 छक्का 210 होता है दोस्तों, हमने 210 रख दिया, बाकी 200 एक जीरो बच जाएगा वो रख दिया, तो फाइनली दोस्तों हमारा इसका आ गया 260 आ गया हमारा इसका राइट आंसर। दो संख्या कितनी है दोस्तों, थर्ड ऑप्शन है यानी दोस्तों इसका 260 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया एक छोटे स्तर के साबुन के व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय होते हैं, विपणन पर 10%, कर्मचारी के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर दोस्तों 25%। तो क्वेश्चन में पूछा गया यदि कंपनी कुल रुपया 65,000 के वेतन का भुगतान करती है तो उसका विपणन व्यय कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है यदि कंपनी कुल रुपया 6500 के वेतन पर, क्या बताया गया दोस्तों, वेतन पर भुगतान करती है, और यहाँ पे इस के खर्च विपणन पर खर्च कितना दोस्तों 10%, कर्मचारी का वेतन, कर्मचारी के टोटल वेतन दोस्तों कितना है 65% है, तो दोस्तों यहाँ भी वेतन कहा गया है, यहाँ भी वेतन कहा गया है, इसलिए दोस्तों वेतन को वेतन के इक्वल करेंगे तो इसलिए 65% बराबर हमारा आ जाएगा दोस्तों 65,000। तो दोस्तों 1% बराबर अगर हम निकालें तो 1% बराबर हमारा आ जाएगा 1,000। अब दोस्तों प्रश्न में, हमारा प्रश्न में पूछा गया है उसका विपणन व्यय कितना है, तो विपणन व्यय दोस्तों कितना बताया गया है यहाँ पे 10% बताया गया है, तो दोनों साइड में हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों, तो फाइनली हमारा 10% बराबर आ जाएगा 10,000, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा इसका थर्ड राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ भी बताया गया है अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, शांत जल में एक नाव को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने और वहां से अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में कुल 15 घंटे लगते हैं, उसी यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता होती है, तो नाव और नदी की गति के बीच का अंतर दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, नदी के प्रवाह की गति ज्ञात करें। तो दोस्तों अगर हमने यहाँ पे शांत जल में नाव की चाल हमने यू मान लिया, तो टोटल डिस्टेंस हमने एक्स माना, तो एक्स किलोमीटर जाने में नाव को इतना लगा, इसकी चालिया बन गई दोस्तों, अब वापस इतनी ही दूरी को वापस आने में यू वेग से, तो ये दोस्तों हो गया बराबर हमारा कितना दिया गया 15 घंटे। अब अगर दोस्तों इसको हम हल कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 2x बटे यू बराबर आ जाएगा 15 दोस्तों, तो अगर हम x का मान निकालें दोस्तों यहाँ पे 15 यू बटे कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो एक हमारा दोस्तों ये हमने बना लिया x का मान। अब आगे दोस्तों कहा गया है उसी यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर, अब नदी में जब प्रवाह होते हैं 16 घंटे की आवश्यकता होती है, तो अब उसी यात्रा को x ही किलोमीटर की दूरी को जब नदी में प्रवाह होते हैं दोस्तों, तो यू प्लस वी शांत जल में नाव की चाल दोस्तों ये हो जाएगी, और उतनी ही दूरी को वापस आने में u माइनस वी हो जाएगी दोस्तों, 16 घंटे लगते हैं, ये हमारी दूसरी क्वेश्चन बन जाएगी। अब आगे और दोस्तों दिया गया नाव और नदी की गति के बीच का अंतर, तो दोस्तों ये नाव और नदी के वेग के बीच का अंतर दोस्तों दिया गया कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यानी u माइनस वी दोस्तों कितना बताया गया 15। तो अगर इस इक्वेशन में हम रख दें, यहाँ पे दोस्तों हमने एक्स कॉमन ले लिया और यहाँ पे हमारा बचा दोस्तों ये 1, और अब अगर दोस्तों हम यहाँ पे ऐसे कर दें, यहाँ पे u प्लस वी और एक ब्रैकेट में और यहाँ पे u माइनस वी, तो ये दोस्तों हो गया हमारा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा u माइनस वी प्लस u प्लस वी दोस्तों, x हमने कॉमन ले लिया था बराबर हमारा 16 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से v और ये v कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली दोस्तों हमारा ये बन जाएगा यहाँ पे x और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2u बटे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों अब हमको मान पता है कि u प्लस वी का मान, u माइनस वी का मान दोस्तों कितना है 15, तो ये हमने u प्लस वी रख करके और u माइनस वी का मान रख दिया दोस्तों 15, ये हो गया बराबर दोस्तों 16 दिया है। x का मान दोस्तों हमने निकाल रखा है यहाँ से 15u/2, तो हमने दोस्तों यहाँ पे रख दिया 15u/2 और फिर यहाँ पे दोस्तों हमने रख दिया 2u/15 और फिर यहाँ पे दोस्तों u प्लस वी बराबर दोस्तों कितना दिया गया 16। अब दोस्तों अगर हम देखें यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 से हमारा 15 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली दोस्तों हमारा u और u, तो ये आ गया हमारा u²/2 दोस्तों बच्चा यहाँ पे u प्लस वी बराबर दोस्तों हो गया हमारा 16। तो अब अगर दोस्तों इसको और भी हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा बन जाएगा फाइनली u² हमारा 16u प्लस का 16v बन जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों अगर इसको हम ऐसे सॉल्व कर लें तो दोस्तों ये हमारा फाइनली इक्वेशन बन गया u² और यहाँ पे बन गया दोस्तों हमारा प्लस का 16u प्लस का 16v। तो दोस्तों अगर इसको हम ऐसे लिख लें, ये u² माइनस का 16u फिर माइनस का 16v बराबर दोस्तों क्या रख लिया 0।
अब अगर दोस्तों यहां से v का मान निकाल लें तो दोस्तों यहां पे v का मान बन जाएगा u माइनस का 15 बराबर v बन जाएगा। तो ये v का मान दोस्तों हम क्या रख सकते हैं, u माइनस 15 रख सकते हैं। तो ये बन जाएगा दोस्तों u स्क्वायर माइनस का 16 और u माइनस का 16 और यहां पे v का मान दोस्तों हमने रख दिया u माइनस 15 बराबर दोस्तों 0। तो अब अगर इसको और भी हम सिंप्लीफाई करें तो दोस्तों हमारा बन जाएगा u स्क्वायर माइनस का 16u और 16 फिर ये माइनस का 16u बन जाएगा दोस्तों और यहाँ पे माइनस 16 और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 240 बराबर 0। तो फाइनली इक्वेशन हमारी बन जाएगी दोस्तों u स्क्वायर बराबर आ जाएगा यहाँ पे 32u प्लस का 240 बराबर दोस्तों 0। अब अगर दोस्तों इसके हम खंड कर दें तो हमारे u की दो वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। तो दोस्तों आप लोग इधर देख लीजिएगा, तो यहाँ पे हमारी u की दो वैल्यू आएंगी। एक तो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों हमारी u की 20 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू हमारी आ जाएगी दोस्तों 12 आ जाएगी। तो दोस्तों अब यहाँ से हम यहाँ पे हमने 20 तो दोस्तों हमको v का मान निकालना था, तो हमने दोस्तों यहाँ पे कहीं बनाया था ये इक्वेशन हमारी बनी थी एक ये। तो यहाँ पे दोस्तों हम u का मान रख देंगे 20, तो अगर हम 20 इस जगह पे रखेंगे 20 से 15 घट जाएगा दोस्तों, तो v का मान दोस्तों कितना आ जाएगा 5। हमारा दोस्तों यही 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसके राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका 4th। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी दोस्तों अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार आप क्वेश्चन को दोबारा बैक करके देख लीजिएगा, आपको ये सारी बातें समझ में जरूर आएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया यदि साइन फाई माइनस कॉस फाई बराबर 0 तो साइन की पावर 4 फाई प्लस का कॉस की पावर 4 फाई प्लस का टेन स्क्वायर फाई का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई और यहाँ पे दोस्तों कॉस स्क्वायर फाई दिया गया है, तो ये हमने कर दिया दोस्तों यहाँ पे कॉस फाई बराबर 0। तो अगर दोस्तों यहाँ पे हमने फाई का वैल्यू रख दिया 45 डिग्री रख दिया तो ये हमारी इक्वेशन फॉलो कर जाएगी। हमने साइन 45 मान रखा दोस्तों क्या होता है 1/√2 और कॉस 45 मान भी दोस्तों क्या होता है 1/√2। तो दोस्तों एक प्लस से वैल्यू आ जाएगा एक माइनस से, तो कट जाएगा हमारा 0 बराबर 0 फॉलो हो जाएगा। तो अब दोस्तों हम यहाँ पे करते क्या है, इस इक्वेशन में हम फाई की वैल्यू क्या रख देंगे 45 रख देंगे और आंसर ले लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया है साइन की पावर 4 फाई, तो हमने यहाँ पे 4 फाई फाई की जगह दोस्तों ने रख दिया 45। अब यहाँ ऐसे ही दोस्तों कॉस की पावर 4 यहाँ पे 45 डिग्री, फिर दोस्तों ऐसे ही टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो साइन 45 मान दोस्तों कितना होता है 1/√2, इसकी पावर हमने 4 लगा दिया दोस्तों, फिर ऐसे ही दोस्तों 1/√2 की पावर 4, फिर दोस्तों ऐसे टेन स्क्वायर 45 मान दोस्तों हम जानते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर दोस्तों ये हो गया। अब अगर 1/√2 1/√2 दोस्तों 4 बार करेंगे तो ये हमारा फाइनली बन जाएगा 1/4। ऐसे ही दोस्तों ये भी 1/4 हो जाएगा और ये हमारा 1 बन जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ने 4 एलसीएम ले लिए तो यहाँ पे 1+1+4 हो जाएगा, तो 4 2 6/4 आ जाएगा, तो 2 3 6 दोस्तों 2 2 4 फाइनली आ गया हमारा 3/2 दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका हमारा 2 राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय करें कि निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न दिया गया थीटा का मान हमको ज्ञात करना है, जानकारी दी गई है फर्स्ट और सेकेंड। तो दोस्तों फर्स्ट जो डायग्राम, फर्स्ट के जानकारी के अकॉर्डिंग जो डायग्राम बना है, तो हमको थीटा का मान यानी कि ये मान यहाँ का निकालना है दोस्तों। तो ये मान निकालने के लिए दोस्तों करते क्या है, जो हमारा ये जो केंद्र पर बना कोण जो होता है दोस्तों वो परिधि पर बने कोण का आधा होता है। तो दोस्तों केंद्र पर जितना भी बड़ा कोण, जो भी कोण होगा, इसका आधा यहाँ पे बनता है परिधि पर। तो दोस्तों इसका हमारा ये दुगना हो जाएगा, तो दुगना दोस्तों यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। तो यहाँ से हम फर्स्ट जानकारी से हम थीटा का मान प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब जो सेकंड जो दिया गया है दोस्तों, इस सेकंड के अकॉर्डिंग हम थीटा की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे दोस्तों, इसलिए हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। केवल हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जानकारी फर्स्ट में हमारी पूर्ण है इसका थीटा का मान निकालने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे केवल फर्स्ट पर्याप्त हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। यहाँ पे दिया गया 36 और 144 के मासा के आधे का मान क्या होगा। तो दोस्तों 36 और 44 का मासा निकालना है, फिर मासे के आधे मान, आधा मान बताना है। तो अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं मासा के आधे, आधे का मान क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि मासा कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या विकल्प में दी गई हो उस सबसे बड़ी संख्या को लेकर के देखिए क्या उस सबसे बड़ी संख्या से ये दोनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं। तो अगर हमने दोस्तों यहाँ पे 144 ले लिया, तो 144 अगर लेंगे तो दोस्तों ये हमारा 36 विभाजित नहीं होगा लेकिन 144 तो हो जाएगा, इसलिए दोस्तों हमारा
144 तो हो नहीं पाएगा। अब उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा हम उठाते हैं 72, तो 72 से दोस्तों हमारा ये 144 जो है दोस्तों हमारा ये विभाजित हो जाएगा, लेकिन 36 कम पड़ जाएगा दोस्तों, इसलिए हमारा 72 भी नहीं हो पाएगा। अब हम अगर तीसरा लें दोस्तों हमारा 36, तो 36 से अगर लेंगे दोस्तों तो 36 से हमारा 36 भी विभाजित हो जाएगा और दोस्तों हमारा 144 भी विभाजित हो जाएगा, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 36। तो 36 इसका तो हमारा दोस्तों क्या आया है, मासा आया है, हमको मासा पता चल गया दोस्तों कितना है 36। अब प्रश्न में हमसे पूछा है कि मासा के आधे का मान, तो ये जो मासा आया है इसका आधा मान, तो आधा हो जाएगा दोस्तों 18, तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा इसका 2 राइट हो जाएगा, 18 इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों आपको बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया किसी वस्तु पर 12% लाभ को जोड़ने पर विक्रय मूल 616 था, यदि उस वस्तु को 462 में बेच दिया जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है किसी वस्तु को 12% लाभ पर, तो 12% लाभ पर दोस्तों 112 कितने बेचा गया दोस्तों, यहाँ पे 616 बेचा गया। उसी वस्तु को हम कितने में बेच दें कि हमको उस वस्तु को 462 में बेच दिया जाए तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो माना दोस्तों हमको x प्रतिशत हानि प्रतिशत हुई होगी, अब हमने बेचा कितने 662 का बेचा। अब दोस्तों ऐसा आता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली दोस्तों 616x बराबर दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा हमारा 462 मल्टीप्लाई 112। अब दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू लगी थी, यहाँ भी हमारी परसेंटेज वैल्यू लगी थी, तो हमने ये परसेंट से परसेंट को हटा दिया दोस्तों, यहाँ पे हमारा x बराबर आ जाएगा 462 मल्टीप्लाई 112 दोस्तों, एक वन हमारा यहाँ पे ज़्यादा लिख गया दोस्तों, तो एक वन को हटा देते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, अपान में हमारा आ जाएगा 616। तो अब दोस्तों जब इसको फाइनली हम कट करेंगे सब एक दूसरे को, तो हमारा x बराबर आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों हमारा 84 आ जाएगा। तो अब दोस्तों ये हमारा कितना परसेंट हानि हुई, तो 100 से हम ये 84 को माइनस कर देंगे, तो दोस्तों हमारा 60% इसकी हानि हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया है एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुँचने के लिए रेलगाड़ी और कार से यात्रा करता है, यदि वह कार द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष यात्रा रेलगाड़ी से तय करता है तो वह अपने ऑफिस टी घंटे में पहुँचता है, यदि वह इसके बिल्कुल विपरीत करता तो वह ऑफिस टी प्लस 0.5 घंटे में पहुँचता है, यदि रेलगाड़ी और कार की गति क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर घंटा हो तो अपने ऑफिस तक पहुंचने के लिए वह कितनी दूरी तय करेगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हमने एक ये टोटल डिस्टेंस मान लिया, यहाँ पे हमने दोस्तों इतनी दूरी हमने कार मान लिया, इतनी दूरी हमारे दोस्तों रेलगाड़ी हो गई, तो ये कार से ये 10 किलोमीटर दूरी तय करता, बाकी ये 1 किलोमीटर दूरी हमने रेलगाड़ी से तय किया। तो अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस निकालें तो ये 10 बटे हमारा हो जाएगा 40 प्लस का ये x बटे हो जाएगा हमारा 50, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों रेलगाड़ी की स्पीड बताई गई 50, इसकी दी गई 40, टोटल इसको t टाइम लगता है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो दोस्तों ये हमारा आ जाएगा 1/4 प्लस एक्स अपान का 50 बराबर दोस्तों t आ जाएगा। तो हमने यहाँ से टी की वैल्यू दोस्तों फाइंड आउट कर लिया है। अब दोस्तों अगर इसको हम हल करें, दूसरा इक्वेशन बनाएं, अब दोस्तों अगर दूसरा हम देखें तो दूसरा हमारा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, ये टोटल हमने ऐसे फिर मान लिया और यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट कहा गया है कि अब रेलगाड़ी से अगर हम दोस्तों यहाँ इधर क्या करेंगे, रेलगाड़ी से 10 चलेंगे और यहाँ पे दोस्तों हम कार से बाकी के चलेंगे, कार से हमारा ये 1x हो जाएगा। तो टोटल इसको टाइम कितना लगता है, अगर इसको हम ऐसे हल कर लें दोस्तों तो ये 10/50 हो जाएगा और ये दोस्तों हमारा प्लस का 1/40 हो जाएगा, टोटल इसको t+0.5 घंटे लगते हैं, ये हो गया दोस्तों। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 1/5 हो जाएगा दोस्तों और ये 1/40 हो जाएगा दोस्तों और यहाँ पे बराबर दोस्तों टी, तो टी का मान हमने दोस्तों यहाँ पर रख दिया 1/4 प्लस 1/50 और फिर यहाँ पे प्लस का दोस्तों 0.5, यहाँ पे 0.5 हमने रख दिया। तो अब अगर इसको और भी हम सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों तो ये हमारा आ जाएगा ये 1/5 माइनस का 1/4 और ये 0.5 को दोस्तों हम लिख सकते हैं यहाँ पे इधर आके माइनस में ये 5/10। तो और अगर इसको दोस्तों हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये हमारा आ जाएगा बराबर ये 1/50 और ये हमारा माइनस का 1/40। तो अब दोस्तों अगर इसको हम हल करें तो ये 1/2 हमारा 2 हो जाएगा, तो 5, 4, 2 का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा
20 आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस का यहाँ 5 यहाँ पे दोस्तों, और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो यहाँ पे हम अगर हल करें तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा 200, और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे 4x आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 5x आ जाएगा। तो अब अगर इसको सॉल्व कर दें दोस्तों, तो यहाँ पे 10 5 15, 15 से 4 हम घटा देंगे तो माइनस का 11 आ जाएगा दोस्तों, 11। तो 15 से दोस्तों जब 4 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11 हमारा बटे आ जाएगा 20, ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों हमारा आ जाएगा माइनस का x अपान का 200। तो दोस्तों अगर ये 20 से 20 हमने कट कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली 10, और 10 अब ये दोस्तों ये माइनस और ये माइनस हमने कट किया तो यहाँ पे आ जाएगा 11 दहम दोस्तों 110। तो ये दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू हमारी फाइनली आ गई 110 आ गई। अब कहा गया दोस्तों टोटल डिस्टेंस बतानी है, तो दोस्तों ये हमने ये दूरी निकाल लिया 110, और ये 10 और पहले से भी थी दोस्तों, तो फाइनली टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गई। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन नंबर इसका थर्ड राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर दोस्तों आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया है निम्न ग्राफ में बंद गोभी की 12 महीनों के मूल्य दर्शाए गए हैं, इनके मूल्यों की मध्यिका ज्ञात करना है दोस्तों। तो मध्यिका निकालनी है दोस्तों, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इन सारे 12 महीने की हमको ये लिख लेना है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम देखें तो 40 दिया गया है, फिर 30 दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर 40 दिया गया है, फिर 4 टाइम हमारा दोस्तों ये 80 दे रखा है। तो हमने दोस्तों यहाँ पे 4 टाइम 80 करके लिख लिया दोस्तों। फिर दोस्तों अगर और भी हम देखें तो यहाँ पे हमारा 3 टाइम 50 दिया गया है, तो हमने 3 टाइम दोस्तों 50 लिख, फिर दोस्तों 2 टाइम हमारा 40 दिया है, तो हमने 2 टाइम 40 और लिख लिया। अब अगर दोस्तों यहाँ पे हमको मध्यिका निकालनी है, तो मध्यिका निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इस सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं दोस्तों। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में लगाएंगे। तो हम दोस्तों लगाते क्या यहाँ पे, छोटे से बड़े क्रम में लगाते हैं। तो सबसे छोटा हमारा दोस्तों यहाँ पे 30 है, 30 हमने लिख लिया। अगर दोस्तों इनको हम देखें कि इनको हमको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी एक ऑर्डर में लगा लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, तो हमने सबसे पहले छोटा लिख लिया 30, उसके बाद दोस्तों अगर हमारा 4 टाइम 40 है, तो हमने 4 टाइम 40 को लिख लिया। फिर दोस्तों हमारा 50 हमारा 3 टाइम है, हमने 50 को 3 टाइम लिख लिया। दोस्तों हमारा 80 हमारा 4 टाइम है, तो हमने 80 को 4 टाइम लिख लिया। दोस्तों अगर हम इसका मध्यिका निकालना है, तो मध्यिका निकालने का तरीका ये होता दोस्तों, 3 2 5 हमने ये कट किए, और 3 2 5 हमने दोनों तरफ से बराबर बराबर इधर से भी और इधर से भी बराबर कट किए। दोस्तों जो बीच में जो बचते हैं, इन सभी का योग करके, यानी कि इन सभी का योग करके दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे, तो दोस्तों हमारा आ जाएगा कितना, 50 आ जाएगा। यही हमारी इसकी मध्यिका हो जाएगी, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका थर्ड राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया है एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, तो वाई की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मान लिया एक्स और ये वाई दो व्यक्ति हैं, इनकी वर्तमान आयु, तो ये हमने दोस्तों यहाँ पे जो हमारा बीच में होता है ये वर्तमान होता है, ये ऊपर वाला वैल्यू जो पूर्व या पहले होता है, और नीचे वाला वैल्यू पश्चात या बाद होता है दोस्तों। तो यहाँ पे बताया गया वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, 3:4, तो हमने 3:4 रख दिया। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, दोस्तों 5 साल पहले तो हम ऊपर चले जाएंगे, और इनकी आयु का अनुपात 5:7 हमने रख लिया। अब कहा गया वाई की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो हमको इस जगह की वाई की वर्तमान आयु निकालनी है दोस्तों। तो इन दोनों का डिफरेंट देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 5 से 3 घटाएंगे दोस्तों तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, इन दोनों का अंतर जो है सेम नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, नई टेबल बनाएंगे और इन दोनों का अंतर हम सेम करेंगे दोस्तों। अंतर सेम करने के लिए तरीका क्या होता है, तो आप लोग ये जानिएगा। सबसे पहले दोस्तों इन 3 और 4 को आपस में घटाएंगे, तो घटाने में दोस्तों क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जो घटाने में 1 आया है, इसका मल्टीप्लाई ऊपर की संख्याओं में कर देंगे, तो 5 और 7 वही आ जाएगा। अब दोस्तों 5 और 7 को आपस में घटाएंगे, तो यहाँ पे अंतर दोस्तों कितना आ जाएगा, 2 का आ जाएगा। इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे 3 और 4 में, दोस्तों 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब अगर इनका अंतर निकालें दोस्तों, यहाँ पे 1 अंक का अंतर आ जाएगा, यहाँ भी 1 का रेशियो आ जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों 5 था, तो फाइनली दोस्तों को ये पता चला कि 1 रेशियो बराबर कितना आया, 5। तो दोस्तों जो ईयर दिया होता है, इसी ईयर के इक्वल कर देते हैं, 1 रेशियो बराबर 5 आ गया। तो दोस्तों अब हमारा क्या होगा, जब 1 बराबर 5 है दोस्तों, हमको वाई की वर्तमान आयु चाहिए था, तो वाई की वर्तमान में इस जगह पे 8 है, तो 5 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 40। तो इसका 40 वर्ष हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका 4th हमारा राइट होगा। तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर दिया गया उन बिंदुओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जहाँ रेखा 3x + 2y = 17, तो बिंदु 2.5 और 5.2 से निर्मित रेखाखंड
को विभाजित करती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे एक हमारा फार्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे फार्मूला हमारा होता है एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन बटे दोस्तों होता है एम वन प्लस का एम टू फिर कॉमा, और ये फिर होता है दोस्तों एम वन वाई टू एम टू और यहाँ पे वाई वन बटे दोस्तों एम वन एम टू। तो ये दोस्तों हमारा फार्मूला होता है, इस फार्मूले पे इन सारे बिंदुओं को अगर हम पुटअप कर दें दोस्तों, तो ये हम अगर रखें दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये x2 y2। तो यहाँ पे अगर रख दें दोस्तों तो m1 तो हमारा ये x2 x2 को मान रख देंगे दोस्तों तो 5m1 बन जाएगा, फिर दोस्तों x1 की वैल्यू हमारी दी गई है 2 तो 2m2 हो जाएगी, फिर दोस्तों m1 m2 ये हो गया, कॉमा कर दिया दोस्तों हमने, फिर यहाँ पे m1 y2 तो y2 हो जाएगा दोस्तों तो 2m1 हो जाएगा, m2 y1 तो 5m2 हो जाएगा, और अपन दोस्तों कितना हो जाएगा m1 m2, m1 m2 दोस्तों क्या दिया गया हमको नहीं पता तो हमने दोस्तों सेम रख दिया। तो अब ये दोस्तों जो हमारे बिंदु बन गए तो ये हमारा फाइनली x है और ये फाइनली हमारा वाई है। तो दोस्तों इसी एक्स और वाई की वैल्यू को हमको इस इक्वेशन में पुटअप कर देना है। तो अगर दोस्तों हम इस x का मान पूरा ये पुटअप करें इस जगह पे ये x की जगह पे तो तीन का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोस्तों ये बन जाएगा तीन बचे पंद्रह एम वन, फिर तीन दूना छः एम टू अपान दोस्तों एम वन प्लस एम टू, फिर कॉमा दोस्तों, फिर यहाँ पे दोस्तों हम y की वैल्यू पुटअप करेंगे, यहाँ पे दोस्तों प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे भी, बीच में प्लस लगा टू वाई, तो y की वैल्यू दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब दोस्तों ये पूरा y है तो y हमारा 2 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दो दूना चार एम वन हो जाएगा दोस्तों, अब दो पंचे दस एम टू हो जाएगा अपान दोस्तों कितना हो जाएगा एम वन प्लस का एम टू बराबर दोस्तों कितना दिया गया सत्रह, तो हमने सत्रह रख लिया। अब अगर इसको हम सॉल्व कर दें दोस्तों तो ये हमारा फाइनली जो आएगा तो ये एम वन एम टू दोस्तों ये आ जाएगा हमारा एम वन एम टू यहाँ पे आ जाएगा 17, हमने एलसीएम ले लिया इक्वल में दोस्तों यही आएगा 15 और 4 जुड़ जाएगा दोस्तों 15 4 19 एम वन आ जाएगा प्लस का 6 एम टू 10 एम टू तो 16 एम टू हो जाएगा दोस्तों। अब अगर दोस्तों ये 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 एम वन इधर आ जाएगा तो 17 से 19 19 से 17 घट जाएगा दोस्तों तो कितना बचेगा यहाँ पे 2 एम वन फिर बराबर दोस्तों यहाँ पे 17 एम टू और 16 एम टू इधर आएगा तो घटेगा तुम्हारा कितना आ जाएगा दोस्तों एक एम टू आ जाएगा। तो फाइनली दोस्तों हमारा यहाँ से ये निकला एम वन अनुपात एम टू बराबर एक अनुपात दो यानी कि एक बटे दो दोस्तों इसका फाइनली एक अनुपात दो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका हमारा फोर्थ राइट होगा। अब दोस्तों अगर इसी का आप लोग शॉर्ट मेथड जानना चाहते हैं तो और भी मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताना चाहूँगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इधर हम इतने में सॉल्व करते हैं शॉर्ट मेथड को। तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या होता है, ये जो हमारा x और y की वैल्यू जो दोस्तों दी गई है दो और पाँच, एक बार हम ये इन बिंदुओं को लेकर के x और y मान करके इस इक्वेशन में रख देंगे। तो दोस्तों अगर हम रखते हैं तो तीन दूना छः और यहाँ पे टू इंटू फाइव बराबर दोस्तों सत्रह, तो ये हो जाएगा दो तीन छः पाँच दूना दस, तो फाइनली दोस्तों सोलह बराबर सत्रह आ गया। ये तो आ गया दोस्तों हमारा पहले पॉइंट रखने से ये बना। अब हम दोस्तों इस बार ये दूसरा पॉइंट रख देंगे पाँच और दो, तो पाँच तीन पंद्रह आ जाएगा दोस्तों तीन गुणे पाँच और फिर दोस्तों प्लस का दो गुणे दो बराबर दोस्तों कितना सत्रह, तो पाँच तीन पंद्रह और दो दूना चार बराबर दोस्तों कितना सत्रह, तो पंद्रह चार उन्नीस, उन्नीस बराबर दोस्तों सत्रह, तो फाइनली दोस्तों हमारा उन्नीस बराबर सत्रह बन गया। तो अब अगर दोस्तों आपको बताऊं मैं यहाँ पे इन्हीं दोनों का आप डिफरेंट समझ लीजिएगा, डिफरेंट देख लीजिएगा, तो यहाँ पे कितने डिफरेंट है एक का, तो यहाँ से एक मिल गया और इन दोनों का डिफरेंट कितना है दोस्तों दो, तो यहाँ पे हमको दो डिफरेंट मिल गया, तो यही हमारा एक अनुपात दो हमारा इसका फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये आपका शॉर्ट मेथड था, और अगर आप इस फार्मूले मेथड से करना चाहें तो आपको इस प्रकार करना होगा। तो आई होप दोस्तों आपको बात सारी समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे दोस्तों दिया गया वह कौन सी भिन्न है जिसे एक बटे दो में से घटाने पर शेष तीन बटे चार प्राप्त होता है। तो दोस्तों मान लिया कि वो भिन्न एक्स है, तो अगर एक बटे दो से हम x को घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा तीन बटे चार मिल जाएगा। अब अगर दोस्तों इसको देखें हम सॉल्व करें तो एक बटे दो माइनस का तीन बटे चार बराबर दोस्तों x हो गया, तो यहाँ पे फोर एलसीएम हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे आ गया टू और यहाँ पे हमारा थ्री, यहाँ पे दोस्तों प्लस नहीं होगा यहाँ पे माइनस दिया तो माइनस हम कर रखेंगे,
तो ये माइनस हो जाएगा फाइनली दोस्तों एक्स, तो यहाँ पे फाइनली एक बटे कितना आ जाएगा चार, तो एक्स की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी माइनस का एक बटे चार, ऑप्शन नंबर दो हमारा इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे कहा गया कुछ काम को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात 3:5 है, उन्हें काम पूरा करने के लिए 5 सही 5/8 दिनों की आवश्यकता है, ए अकेला इस काम का दोगुना कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोस्तों चलिए इसको देखते हैं हम लोग इसको, तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया कुछ काम को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात 3:5 है, तो ए अगर 3 दिन लेता है दोस्तों तो बी कितने दिन लेगा 5 दिन लेगा, ये हो गया। तो अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया उन्हें काम पूरा करने के लिए इतने दिनों की आवश्यकता होती है, तो ए और बी अगर मिल करके काम करते हैं तो उन्हें 5 सही 5/8 दिन लगते हैं। तो दोस्तों अगर और भी इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो 8 × 45 = 5 = 45 दोस्तों कितना हो जाएगा इतने दिन, ये हो गया दोस्तों। अब अगर इसको हम दोस्तों इन दोनों की द्वारा कार्य ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात, दोस्तों इनके आवश्यक दिनों का अनुपात ये बताया गया है, तो दोस्तों इनकी कार्यक्षमता जस्ट इन्हीं का विलोमानुपाती हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो ए का दिया गया है 3, बी का दिया गया 5, दोस्तों अब ए का आ जाएगा 5 और बी का बन जाएगा दोस्तों 3, तो इन दोनों की कार्यक्षमता दोस्तों कितनी हो गई 8। तो हमको ये पता करना है टोटल काम कितना रहा होगा, तो दोस्तों अगर इस 8 का मल्टीप्लाई हम इस जगह पे कर दें तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमको पता चल गया तो 45 हमारा क्या है टोटल वर्क है, टोटल वर्क दोस्तों को कितना पता चल गया 45 है हमारा। तो प्रश्न में पूछा गया है कि ए अकेला इस कार्य का दोगुना कितने दिनों में पूरा करेगा, तो अगर इसका दोगुना कार्य देखें तो दोस्तों दोगुना 90 काम हो जाएगा, तो ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 5 है, तो ए इस 90 काम को 5 की दर से काम करेगा तो दोस्तों कितना लग जाएगा, तो यहां पे लगेगा 18 दिन उसको लग जाएंगे दोस्तों, 18 × 5 = 90, तो दोस्तों फाइनली हो जाएगा हमारा 18 दिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका हमारा फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहां पे दिया गया है दोस्तों एक डायग्राम दिया गया है, और यहां पे दिए गए आरेख में TU और PS समांतर हैं, तो दोस्तों TU यानी कि ये और फिर दोस्तों ये P और ये S, ये एक दूसरे के समांतर हैं, ये और ये समांतर हैं दोस्तों। फिर कहा गया और बिंदु Q और R PS पर स्थित हैं, ठीक है दोस्तों PS पर बिंदु Q और R स्थित हैं, ठीक है। फिर कहा गया कोण PQT x डिग्री है, PQT x डिग्री है, दोस्तों ये कितना है कोण x डिग्री है, ठीक है ये कोण दोस्तों कितना है x डिग्री है। फिर कहा गया RQT x माइनस का 50 डिग्री है, तो RQT अगर हम देखें RQT तो दोस्तों ये कितना दिया गया है, ये कोण हमको बताया गया है x माइनस 50 डिग्री। अब और भी देखें कोण TUR, तो TUR दोस्तों ये कोण कितना बताया गया है, ये बताया गया है x प्लस 25 डिग्री। तो हमको URS की माप ज्ञात करना है, URS दोस्तों हमको इस कोण की माप ज्ञात करनी है, ये क्वेश्चन में ऐसा है। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो जो ये कोण है ये पूरा कोण हमारा कितना होता है 180 डिग्री का, तो ये जो दो कोण दिए गए हैं x डिग्री और x माइनस 50 डिग्री बराबर हमारा 180 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा फाइनली बन जाएगा 2x बराबर आ जाएगा दोस्तों 230 हो जाएगा, 180 में 50 जुड़ जाएगा फाइनली दोस्तों 230 होगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 2 × 2 और 2 × 5 = 10 = 115 आ गया। तो अब बात हमको ये पता चली कि ये कोण हमारा कितने का था 115 डिग्री का था, अब 115 में दोस्तों अगर हम 50 माइनस कर दें तो हमको ये कोण पता चल जाएगा, तो जब दोस्तों 115 में अगर हम 50 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 65, तो ये कोण हमको पता चल गया दोस्तों कितना है 65 डिग्री का है। अब अगर दोस्तों हमको ये कोण निकालना है ये कोण, तो यहाँ पे हम इसमें 115 में 25 ऐड कर दें तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 140, तो ये हमारा कोण मिल गया दोस्तों 140 डिग्री। अब दोस्तों ये कोण और ये कोण एक दूसरे के एकांतर कोण हैं, तो दोस्तों 140 ये है तो ये भी कितना हो जाएगा 140 डिग्री हो जाएगा, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा इसका थर्ड राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया है एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर इसे 10% कम कर दिया गया था, कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम फार्मूला जानते हैं प्लस माइनस एक्स फिर प्लस माइनस वाई फिर प्लस माइनस दोस्तों एक्स इंटू प्लस माइनस वाई बटे दोस्तों कितना होता है इन दोनों का 100 होता है।
ये दोस्तों हमारा इतना फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हम अपने इन ऑप्शनों को यानी कि इन वैल्यूओं को पुट करेंगे दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 10% की कमी है कहा गया, वृद्धि कहा गया पहले, दोस्तों प्लस का 10 हो जाएगा, फिर 10% कम कर दिया गया, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा। दोस्तों कमी कहा गया इसलिए दोस्तों यहाँ पे -10 हो गया, फिर दोस्तों यहाँ पे प्लस का हमारा 10, फिर कमी -10 बटे दोस्तों कितना 100, ये जीरो कैंसिल हो गया दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0, 0 से हम दोस्तों यहाँ पे फाइनली बचेगा हमारा 1, तो 1% दोस्तों हमारा क्या हो रहा, माइनस में आया, इसलिए दोस्तों हमारी कमी हो जाएगी, तो 1% कमी हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया है ए बी सी के पास क्रमशः 152, 171 और 266 कंचे हैं, वे इन कंचों को इस प्रकार विभाजित करने का फैसला करते हैं कि सभी के हिस्सों में कंचों की संख्या बराबर हो, इसके अलावा वे कंचों का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं, तो किए जा सकने वाले हिस्सों की न्यूनतम संख्या संभव ज्ञात कीजिए। इन क्वेश्चनों में हम ऐसा करेंगे कि ये जो 152, 171 और 266 दिया गया, इसका मासा निकालेंगे, 152, 171, 266 का मासा। दोस्तों अगर मासा निकालें तो इसका मासा आ जाएगा फाइनली हमारा 19। अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया इसके अलावा वे कंचों का आदान प्रदान नहीं कर सकते, दोस्तों ये अगर बात ना कही होती तो इसका हमारा राइट आंसर 19 ही आता, लेकिन दोस्तों अगर ये बात कही गई है तो अब हम करेंगे क्या, इस 19 का भाग दोस्तों एक बार हम देंगे 152 में देंगे दोस्तों, तो 19 अट्ठे दोस्तों होता है 152, तो पूरा पूरा कट गया दोस्तों, यहाँ पे हमारा 8 आ गया। अब इसी 19 का भाग दोस्तों हम 171 में देंगे, तो 19 नवैया दोस्तों होता है 171, तो दोस्तों ये भी हो गया। अब ऐसे ही दोस्तों हम क्या करेंगे, अब अगली बार 19 का भाग देंगे 266 में, तो दोस्तों ये हमारा कितनी बार में कट जाएगा, ये कटेगा टोटल दोस्तों 14 बार में कट जाएगा, तो 19 14 हम दोस्तों 266, तो ये भी हमारा 0 आ जाएगा। अब दोस्तों हमारा जो इसका ये 8 आया है और ये 9 आया है दोस्तों और ये 14 आया है, इनको सबको जोड़ेंगे तो फाइनली आ जाएगा हमारा 31, यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों फर्स्ट हमारा इसका राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे दिया गया है कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3.6, तो कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको निकालना है। तो दोस्तों अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और ये वैल्यू दी गई है, तो दोस्तों ये जो हमारा दिया गया है कॉट की पावर 4 थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3.6, तो हमने यहाँ से दोस्तों अगर कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 बचा और यहाँ पे बराबर 3.6, तो दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम फार्मूला जानते हैं होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमने ये रख दिया, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है दोस्तों होता है हमारा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3.6। अब दोस्तों इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कॉसेक की पावर 4 थीटा और यहाँ पे दोस्तों माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों 3.6, दोस्तों हमको यही वैल्यू निकालनी थी, तो क्या आया वैल्यू दोस्तों 3.6, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया है नीचे दर्शाई गई 3 सीधी रेखाओं द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के लिए 3 इक्वेशन दिए गए हैं दोस्तों, अगर हम ये पहला इक्वेशन व दूसरा इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x और y की जो वैल्यू आएंगी दोस्तों, x और y की वैल्यू तो 0 और 0 आ जाएंगे, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया। अब अगर दोस्तों ऐसे ही हम दूसरा इक्वेशन और व तीसरा इक्वेशन लेके जब सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इसका हमारा आ जाएगा जो x और y की वैल्यू आएंगी, और दोस्तों 2 और 3 इक्वेशन को सॉल्व करने पर तो हमारा इसका आ जाएगा 5 और 3 आ जाएगा, इसकी वैल्यू x और y की 5 और 3 आएंगे। अब दोस्तों हम तीसरा वह चौथा नहीं दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट दिया है तो हम फर्स्ट लेंगे, तो तीसरा और दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन लेके अब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारा एक्स और वाई की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी, यहाँ पे दोस्तों आएगी 3, -3 हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, -3। तो अब दोस्तों हमको ये तीनों वैल्यू 3 पॉइंट पता हो चुके हैं, तो अब हम फार्मूला जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, त्रिभुज का एरिया निकालने का फार्मूला दोस्तों ये होता है 1/2 यहाँ पे x1 ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे प्लस का x2 फिर ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे दोस्तों x3 और यहाँ पे दोस्तों ब्रैकेट में ये, और ब्रैकेट हमारा बड़ा बंद। अब दोस्तों यहाँ पे होता 23, 31, 12 यानी कि y2 - y3 31, तो y3 - y1 और फिर दोस्तों यहाँ पे 23, 31, 12 तो y2 - y1।
अब दोस्तों क्या करेंगे, इन्हीं की वैल्यू हम पुट कर देंगे, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री। जब दोस्तों ये सारी वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो यहाँ पे फाइनली हमारा आ जाएगा दोस्तों ये एक बटे दो, और ये बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे जीरो, और ब्रैकेट में जो भी आएगा दोस्तों तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स वन की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों जीरो दी गई है इसलिए हमने जीरो रखा, और यहाँ वाई टू माइनस वाई टू वाई थ्री की वैल्यू जो भी आएगी दोस्तों तो वो हमारी जीरो ही बन जाएगी, इसलिए हमने वैल्यू इनको इग्नोर कर दिया। और यहाँ पे दोस्तों हम जब एक्स टू की वैल्यू रखेंगे, एक्स टू की वैल्यू हमारे यहाँ पे फाइव दी गई है, और वाई थ्री माइनस वाई वन की वैल्यू जब यहाँ पे दोस्तों पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस तीन माइनस जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे फिर दोस्तों एक्स थ्री की वैल्यू हमारी दी गई है, यहाँ पे एक्स थ्री की वैल्यू तीन दी गई है तो यहाँ पे हमने दोस्तों तीन रख दिया, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जीरो माइनस थ्री, ये हो गया दोस्तों। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो माइनस पंद्रह आ गया, और यहाँ पे माइनस का नौ हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक बटे दो हमारा बाहर लगा था वो लगा दिया। अब उसके बाद दोस्तों ये एक बटे दो पंद्रह नौ कितना हो जाएगा, चौबीस हो जाएगा, वो भी किस चीज़ का दोस्तों, माइनस का। दोस्तों इसको कट करेंगे दोस्तों ये तो हमारा आ जाएगा माइनस का बारह आ जाएगा दोस्तों। अब क्षेत्रफल हमारा दोस्तों माइनस में नहीं होता इसलिए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बारह इकाई, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका हमारा फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में दोस्तों जो दिया गया है इसको अगर हम हल करें तो दो की पावर आठ दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दो की पावर आठ को अगर हम हल करें दोस्तों, दो की पावर आठ अपान माइनस वन बटे कितना दोस्तों दिया गया है, दो की पावर जो अंडर रूट लगा दोस्तों, यहाँ पावर बारह लगा है, हमने अंडर रूट की वैल्यू रख दिया दोस्तों एक बटे दो, अंडर रूट की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है एक बटे दो, तो इसको हमने सॉल्व किया तो दोस्तों ये दो की पावर आठ तो कितना हो जाएगा, फाइनली ये आ जाएगा दोस्तों हमारा दो सौ छप्पन। तो जब दोस्तों ये दो सौ छप्पन से हम एक माइनस कर देंगे, अब बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, दो की पावर हमारा छः। अब दो की पावर छः, दो सौ छप्पन से हम दोस्तों जब एक कम करेंगे दो सौ पचपन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा दो की पावर छः दोस्तों क्या बनेगा, चौंसठ बन जाएगा। तो हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा दो सौ पचपन अपान का दोस्तों दो सौ चौंसठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन में दिया गया हमको पी की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों जब इस प्रकार का कभी क्वेश्चन आता है तो हम लोग करते हैं कि यहाँ पी अपान का एट्टीन लिखते हैं और यहाँ पे पाँच बटे तीन लिखते हैं। तो अब दोस्तों ये तिछंग अठारह तो छः पंचे दोस्तों पी बराबर कितना आ जाएगा, थर्टी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हमारा टू राइट। ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था, और आई होप दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी। और तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद।